दोस्तों, कभी न कभी आपने सेब तो खाए ही होंगे। इसे खाने से क्या क्या फायदे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आज हम आपको सेब के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और रोचक जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ सेब के बारे में ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं जिसको आज से पहले आप जानते ही नहीं रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सेब की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो सेब की उत्पत्ति मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान की जंगली पहाड़ियों में हुई थी। फिर वहाँ से ये बाकी देशों में फैला और आज पूरी दुनिया का पसंदीदा फल बन गया है। अब बात कर लेते हैं सेब में मिलने वाले पोषक तत्वों के बारे में। तो सेब में कैलोरी, कार्बोस, फाइबर, विटामिन सी, पोटेशियम, विटामिन के और मैंगनीज, तांबे और विटामिन ए, ई, बी, B1, B2 और B6 जैसे कई सारे विटामिन्स मिलते हैं। दोस्तों, सेब वैसे भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सेब नहीं होता तो शायद हमें ग्रेविटी का सिद्धांत नहीं मिलता। जी हाँ, आपको ये तो पता ही होगा, सेब ही एक ऐसा फल है जो न्यूटन चाचा के सर पे गिरा था, जिसकी वजह से उन्होंने ग्रेविटी की खोज की थी। तो इस एप्पल के लिए एक लाइक तो बनता है। क्या आप जानते हैं कि सेब का वैज्ञानिक नाम मैलुस पमिला है और सेब उगाने वाले विज्ञान को पोमोलॉजी कहते हैं। वैसे तो सेब एक पुराना फल है, मनुष्य ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था, लेकिन दुनिया में सेब के उत्पादन चीन, तुर्की, अमेरिका, पोलैंड, इटली जैसे देशों में बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो सबसे ज्यादा सेब का उत्पादन चीन करता है। दोस्तों, आपको तो ये पता भी नहीं होगा कि दुनिया में सेब के लगभग 8000 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। आप अगर रोज एक सेब खाते हैं तो भी आपको 20 साल लग जाएंगे सेब की हर वैरायटी को खाने में। एक सेब में लगभग 80 कैलोरीज पाई जाती है। सेब खाने से हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, यानी कि आपको हार्ट अटैक से दूर रखने में यह काफ़ी मदद करता है। अक्सर आपने लोगों को सेब छील कर खाते हुए देखा होगा, लेकिन आपको बता दें, सेब को कभी छील कर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर एंटीऑक्सीडेंट और 2/3 फाइबर होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। वैसे भी सेब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सेब दिल की बीमारी वाली खतरे को दूर करता है, गुर्दे में पथरी होने से रोकता है। सेब खाने से बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल भी सही रहता है। सेब खाने से शरीर में अच्छा महसूस होता है। क्या आपको पता है कि सेब को जूस बनाकर बालों में लगाने से डैंड्रफ भी खत्म होता है? तो आपने देखा ना, आज का आपको कितने ढेर सारे फायदे बताए हैं सेब के बारे में। चलिए कुछ फायदे और बताते हैं कि सेब खाने से और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। दोस्तों, सेब खाने से तो वैसे तो बहुत ढेर सारे फायदे होते हैं, लेकिन हम आपको कुछ बेहतरीन फायदे बताने वाले हैं, इससे आप सेब खाने के इच्छुक हो जाएंगे। पहली बात, ये हड्डियों को मजबूत करता है। जी हाँ, सेब में प्लाइनोइड पाया जाता है, जो कि हड्डियों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 2, दांतों को भी स्वस्थ रखता है। सेब में फाइबर पाया जाता है, इसमें एंटीवायरल होता है, जो कि बैक्टीरिया और फफूंद तथा वायरस को दूर करता है, जिसके कारण आपके दांत सुंदर और स्वस्थ रहते हैं। नंबर 3, लीवर को मजबूत करता है। शरीर में जहरीले पदार्थ साफ करना लीवर का काम होता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ न कुछ ऐसी चीजें तो जरूरी खाते हैं जिसका साइड इफेक्ट शरीर पर पड़ता है। ऐसे में सेब खाने से सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट हमारे लीवर को मजबूत करता है, जिससे लीवर सही तरीके से काम करता है। नंबर 4, मधुमेह को दूर करता है। सेब खाने से शरीर में ग्लाइकोजेनिक एसिड की कमी को पूरा करती है, जिसके कारण मधुमेह होने का खतरा भी दूर होता है। नंबर 5 और सबसे इम्पॉर्टेंट, कैंसर को दूर करता है। जी हाँ, सेब में पाया जाने वाला क्वर्सेटीन शरीर की कोशिकाओं को सुरक्षित रखती है, इसलिए कैंसर के खतरे से शरीर दूर रहता है। सेब खाने से कोशिकाओं को काफी सुरक्षा मिलती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइए।